क्या आप जानते हैं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा राइस का कंजम्पशन हमारे इंडिया में होता है एंड मिलियंस ऑफ पीपल हैव इट एज देयर स्टेपल फूड। क्या आप जानते हैं कि राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स मिलेट्स के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। व्हाट इफ देयर वाज अ सिंपल डाइटरी इंटरवेंशन दैट कुड हेल्प यू मैनेजिंग योर डायबिटीज बेटर। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर शैलेश सिंह। इस चैनल पे हम बात करते हैं बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के बारे में। इस वीडियो में बात करेंगे मिलेट्स क्या होते हैं, आज की तारीख में हर कोई मिलेट्स के बारे में क्यों बात कर रहा है, मिलेट्स लेने के क्या फायदे हैं, क्या होगा अगर हम राइस को अपनी थाली में मिलेट्स से रिप्लेस कर दें, क्या डायबिटिक्स के लिए ऐसा करना बेनिफिशियल होगा। तो मिलेट्स होते क्या हैं? तो मिलेट्स बेसिकली एक एंशिएंट ग्रेन है जो हमारे इंडिया में बहुत टाइम से पाया जाता था। रीसेंट में इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे इसने काफी शोर मचा के रखा हुआ है, और ऐसा इसलिए बिकॉज 2023 को यूनाइटेड नेशंस ने ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित कर दिया था। जब भी हम मिलेट टर्म यूज करते हैं तो मिलेट से एक पर्टिकुलर हम इसमें ग्रेन की बात नहीं कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर हम सीरियल की बात नहीं कर रहे हैं। बेसिकली इसमें कई सारी चीजें हैं जो एक अम्ब्रेला टर्म में इंक्लूड की जाती हैं। कुछ मिलेट्स के टाइप हम लोग यहाँ ऑलरेडी बहुत कॉमन हैं, सच एज रागी या फिंगर मिलेट या पर्ल मिलेट जिसे आप बाजरा के नाम से जानते हो, या ज्वार, और इसके अलावा बहुत सारे मिलेट्स और भी अवेलेबल हैं। वीट, राइस या कॉर्न से अगर कंपेयर किया जाए तो मिलेट्स का न्यूट्रिशनल वैल्यू इनसे थोड़ा बेटर होता है। कैसे? तो सबसे पहले इनकी कंपैरिजन में इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा है, इसमें प्रोटीन का कंटेंट बाकी सीरियल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, इनमें विटामिंस, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स की क्वांटिटी भी बाकी ट्रेडिशनल सीरियल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा है। ऑल्सो इट इज़ ग्लूटेन फ्री। रीसेंट में हर जगह मिलेट्स की बात हो रही है डायबिटीज़ के मैनेजमेंट में, क्या डायबिटिक्स मिलेट्स खा सकते हैं, डायबिटिक्स को मिलेट्स को अपनी डाइट में कैसे इंक्लूड करना चाहिए। ये समझने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स का। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब होता है हाउ क्विकली कैन अ फूड रेज योर ब्लड शुगर लेवल। तो कुछ ग्रेन्स ऐसे होते हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, कितना कम, तो 55 से कम। कुछ ऐसे होते हैं जिनका 55-70 होता है, और कुछ ऐसे सीरियल्स होते हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से ज्यादा होता है। 55 से कम वाले ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले सीरियल्स में हमारा आता है किनोआ, बार्ले, ओट ब्रान और ऑल ब्रान सीरियल। 55-70 के ग्लाइसेमिक इंडेक्स में और कुछ सीरियल्स आते हैं, इसमें आता है हमारा फ्लैक्स सीड, होल ब्रेड, वाइट राइस, ब्राउन राइस, बासमती राइस। आपको लगता है ये बहुत अलग हैं, ये एक्चुअल में रंग में ही अलग हैं, इनमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स में बहुत ज़्यादा अंतर है नहीं। कुछ होल ग्रेन से बने हुए फूड प्रोडक्ट्स कुछ ऐसे हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से ज़्यादा है, यानी कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जैसे इंस्टेंट वाइट राइस, या नान आप खाते हैं, या वाइट ब्रेड आप खाते हैं, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा हायर साइड पे है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा ज़्यादा होता है। मिलेट्स की अगर हम बात करें तो इसका बाकी ग्रेन्स के कंपैरिजन में ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा कम होता है। ऐसा इस वजह से बिकॉज इट इज़ हाई इन फाइबर, इट हैज सम स्लो डाइजेस्टिंग स्टार्च, और इसमें पाए जाते हैं कुछ बायोएक्टिव कंपाउंड्स। कहने का मतलब आप इसको कंज्यूम करेंगे तो आपका ब्लड शुगर तो बढ़ेगा, तो उतना जल्दी नहीं बढ़ेगा जितना जल्दी एक रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट को खाने से बढ़ता है। ऑल्सो फूड आइटम्स विच हैव गॉट हाई फाइबर कंटेंट keep you full for a longer time, they keep your blood sugar steady, they lower your cholesterol and help you lose weight. तो मिलेट से लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होने के अलावा भी बहुत सारे फायदे हैं। ये सारी ही चीजें, वेट का कम होना, कोलेस्ट्रॉल का इंप्रूव होना, ग्लाइसेमिक इंडेक्स का कम होना, ब्लड शुगर लेवल का स्टेडी रहना, ये सब कुछ ही डायबिटिक्स के लिए इसे एक बहुत यूजफुल फूड आइटम बनाता है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ फॉक्सटेल मिलेट की, फिंगर मिलेट की, या बाजरा या पर्ल मिलेट की, तो इट हैज गॉट इट्स ग्लाइसेमिक इंडेक्स समवेयर बिटवीन 55-70। ज्वार इसकी कंपैरिजन में इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा ज्यादा होता है, इट मे नॉट बी एज बेनिफिशियल देन अदर्स जब हम राइस से मिलेट्स को रिप्लेस करने की बात कर रहे हो। तो अगर आप डायबिटिक हैं, आपका स्टेपल फूड राइस है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं मिलेट से रिप्लेस करने का। शायद मिलेट्स विल हेल्प यू मेंटेन अ मोर स्टेबल ब्लड शुगर लेवल्स, प्रिवेंट ब्लड शुगर स्पाइक्स एंड हेल्प यू लूज वेट। तो मेरे से अक्सर डायबिटिक्स आके ओपीडी में पूछते हैं कि कैन आई टेक मिलेट्स इंस्टेड ऑफ राइस, शॉर्ट आंसर इज येस। अब मिलेट्स को आप अपनी डाइट में अलग अलग तरह से इंक्लूड कर सकते हो, उसको फर्मेंटेड ब्रेड के फॉर्म में, फ्लैटेन ब्रेड के फॉर्म में अपनी डाइट का पार्ट बना सकते हो, चाहे उसके पॉरेजेस बना लो, चाहे इसकी खीर बना लो। ऑब्वियसली फूड इंडस्ट्री को पता चल गया कि आप मिलेट्स के पीछे भाग रहे हो, तो उन्होंने मिलेट्स बेस्ड अल्ट्रा प्रोसेस फूड मार्केट में निकाल दिया। उसमें आपको पता होने की बात यह है कि जितना फायदा आपको अनप्रोसेस्ड या मिनिमली प्रोसेस्ड मिलेट से होगा, शायद उतना रिफाइंड या पॉलिश मिलेट से
नहीं होगा। ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ उसका फाइबर का लॉस हो चुका होगा, उसमें न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो चुका होगा। एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये भी समझने की है, एट द एंड ऑफ द डे मिलेट्स कंट्रीब्यूट टू कार्बोहाइड्रेट कोटा ऑफ योर डे। तो अगर आपका डायबिटीज बहुत पुअरली कंट्रोल्ड है, आपको लो कार्बोहाइड्रेट डाइट एडवाइस की गई है, आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या ये आपके दिन भर के बजट में इंक्लूड हो भी पाएगा, क्या आपके पास इतनी गुंजाइश है आपकी अपनी फूड प्लेट में आप मिलेट्स को इंक्लूड कर पाएं। तो अगर आप हेल्दी हैं, हेल्दी खाना चाहते हैं, मिलेट्स आर अ गुड ऑप्शन। और अगर आपको डायबिटीज़ है और आप मिलेट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहते हैं, टॉक टू योर डाइटिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट फर्स्ट। इस वीडियो में इतना ही। मिलेट्स के बारे में आपने जान लिया, ओट्स खाने के क्या फ़ायदे क्या नुकसान हैं ये जानने के लिए इस वाले वीडियो को जाके देखो।